नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सस्ते पैसे में आप अपने घर पर ही सस्ता प्रोटीन पाउडर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बच्चों के पास बजट नहीं होता प्रोटीन पाउडर बाजार से खरीदने का। तो वो अपने घर पर ही सस्ता प्रोटीन पाउडर कैसे बना सकते हैं जो आपके बजट में आए, और उसको यूज करके आप अपनी तकड़ी बॉडी कैसे बना सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले। टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी होता है, हमारी मसल बढ़ाने के लिए और हमारी मसल रिकवरी करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप क्या करते हैं कि कोई वर्कआउट के बाद हमारी मसल को जरूरत होती है हाई प्रोटीन डाइट की, और भाई महंगे प्रोटीन होने के कारण आप मतलब प्रोटीन यूज नहीं कर पाते, जिसके कारण आपकी जो मसल है बड़ी नहीं हो पाती और आपकी जो मसल रिकवरी कभी नहीं हो पाती और भाई आपकी बॉडी भी नहीं बन पाती है। तो भाई आज जो हम घर पर जो प्रोटीन बनाने वाले हैं, मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, ये आपने अच्छी तरीके से यूज कर लिया वर्कआउट के बाद, तो भाई आपकी मसल रिकवरी भी हो जाएगी और आपकी जो मसल का साइज है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई इस घर वाले प्रोटीन में हमें किस किस सामान की जरूरत पड़ने वाली है, तो भाई आपको 200 ग्राम लेने हैं खिले हुए चने। तो भाई आपके घर पे हैं तो भाई घर से ले सकते हैं, वरना बाजार से आप 200 ग्राम चने घर पे लेकर के आ सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको क्या लाना है, 200 ग्राम लानी है मूंगफली की गिरी, क्योंकि मूंगफली को बहुत आजकल के जो मतलब नए लड़के हैं मतलब भूले ही पड़े हैं, क्योंकि आपने काफी बार देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो इतनी मेहनत करते थे और भाई उनके अंदर इतनी ताकत होती थी, वो मूंगफली से ही अपनी अपनी जो बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते थे। और आजकल के जो लोग हैं क्या करते हैं, मतलब मूंगफली को भूले ही पड़े, मूंगफली को यूज ही नहीं करते हैं। तो भाई मूंगफली में एकदम हाई प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को एकदम पूरा कर देता है। और इसी के साथ साथ आपको क्या लाना है, आपको लानी है सोयाबीन की दाल। तो भाई सोयाबीन दाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोयाबीन दाल की बात कर रहा हूं। तो भाई 200 ग्राम आपको यह भी लेकर के आ जानी है। लेकर के आने के बाद इनको मतलब एक आपको बर्तन में कर लेना अच्छी तरीके से, भाई इनको अच्छी तरीके से सफा कर लेना कि भाई उसमें थोड़ा कूड़ा वगैरह ना हो या फिर कचरा वगैरह ना हो, क्योंकि दालें जो होती है इनमें थोड़ी बहुत रोड़ी वगैरह होती है, तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद इनको एक या दो दिन आपको धूप में सुखाने रख देना, क्योंकि आप कूटो या फिर मिक्सी मशीन में इनको मतलब पाउडर बनाओ उसका, तो अच्छी तरीके से वो सूख के अच्छी तरीके से बन जाए। तो भाई आपको क्या करना है, वो सूखने के बाद आपको मिक्सी मशीन लेनी है। भाई आपके पास मिक्सी मशीन है तो मिक्सी मशीन में इसका अच्छी तरीके से आप पाउडर बना सकते हैं। भाई आपके पास थोड़ा और बजट है तो भाई 100 ग्राम बादाम की गिरी आप इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारी मतलब बॉडी को पावरफुल बनाने में, बॉडी को ताकतवर बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो भाई आपके पास बजट नहीं है तो भाई ये भी आपकी पावरफुल ही होने वाली है। तो भाई इन तीनों सामानों को आपको मिक्सी मशीन में डालना और मिक्सी मशीन की जो घुमा देना है और अच्छी तरीके से इसका बारीक पाउडर आपको बना लेना है। तो भाई आपके पास मिक्सी मशीन नहीं है तो भी आप मतलब सभी भाइयों के घर पे जो होता है ईमान दस्ता, जिसमें कि हम जड़ी बूटी कूटते हैं, तो उस ईमान दस्ते में आपको इसका बारीक बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाने के बाद आपको एक डिब्बे में इनको कर लेना अच्छी तरीके से, और डिब्बे का आपको ढक्कन लगा देना है। तो भाई आप हम बात करेंगे इसको यूज कैसे करना, किस टाइम आपको यूज करना है। तो भाई जैसे कि आप सुबह में वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद इसको आपको यूज करना है। तो भाई आपको 1.5 गिलास दूध लेना है, 1.5 गिलास दूध लेने के बाद उसको मतलब अच्छी तरीके से खोरा लेना, खोराने के मतलब इतना आपको खोराना है कि हमने जो इसमें 1.5 गिलास दूध लिया हुआ है तो वो 1 गिलास ही आपका बचना चाहिए, और उसको अच्छी तरीके से खोराने के बाद 1 गिलास वो आपका बच जाएगा। तो उसको आपको फूंक मार मार के अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जो हमने इन तीनों सामानों का पाउडर बनाया हुआ उसमें आपको चम्मच डालनी है। चम्मच डालने के बाद उसमें 3 चम्मच जो हमारा मतलब ठंडा हुआ 1 गिलास दूध बचा हुआ है उसमें आपको डाल देनी है। डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से घुमाना है और मतलब अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उस गिलास को आपको पकड़ना है और किसी भी आपको कुर्सी पे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको घूंट घर मतलब घूंट कर करके आपको पीना, क्योंकि कोई बहुत भाई क्या करते हैं पानी पीते हैं या फिर दूध पीते हैं मतलब वो थोड़ा भी सांस नहीं लेते हैं, ये मतलब एक ही सांस में वो अंदर कर लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है, घूंट घूंट करके जब हम पीते हैं तो भाई हमारी जो मुँह की लार होती है वो हमारे मतलब जो भी हम खाते हैं या फिर पीते हैं वो हमारे उसके साथ चली जाती है, जो कि हमारे जो हम खाते हैं उसको पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं पचेगा तो भाई हमारी बॉडी को कैसे लगने वाला है। तो भाई वो जो हमारा 1 गिलास मतलब 1 गिलास में जो 3 चम्मच हमारा जो सामान मिला हुआ है तो उसको आपको घूंट कर करके ही पीना है। इसे अच्छी तरीके से आपको यूज करना, डेली बेस आप यूज करोगे तो भाई आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये तो होगी हमारी वर्कआउट के बाद की डाइट, यानी कि आपकी हाई प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो जो आप दिन में खाना खाते हैं, दिन में डाइट लेते हैं, तो भाई वो तो आपको खानी है, क्योंकि बहुत भाई क्या करते हैं मतलब वर्कआउट के ऊपर या फिर थोड़ा बहुत डाइट के ऊपर ही वो डिपेंड रहते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है, वर्कआउट के ऊपर थोड़ा कम रहना है और भाई डाइट के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो भाई आपको थोड़ा लगता है कि हमें इससे थोड़े कम रिजल्ट आ रहे हैं, तो भाई इसको आप 2 टाइम
यूज कर सकते हैं। शाम में भी आपको 3 चम्मच दूध के साथ ही ऐसे ही जैसे अभी बताया ऐसे ही आपको इसको शाम को यूज करना है। तो भाई इसको आप 1 से 1.5 महीने आप फॉलो करते हैं तो भाई आपको बहुत से रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप कहोगे कि भाई एकदम सस्ता है और भाई हमारे बजट में भी आता है और हमें अच्छे रिजल्ट भी मिले, हमारी मसल की रिकवरी भी हो जाती है और हमारी जो मसल का साइज है धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छे बदलाव आने स्टार्ट हो गए हैं। और आप मतलब दूसरों को भी ये बताओगे कि मैं ये चीज़ यूज कर रहा हूँ और एकदम सस्ता प्रोटीन है और मेरे बजट में आता है और सभी भाइयों को अच्छे रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। आपको मिलेंगे तो भाई और यूज करेंगे तो भाई औरों को भी मिलने वाले हैं। तो भाई आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो भाई लाइक शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू हमें लिख के आप बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और